Assalamualaikum and welcome back to my channel guys. This is Nida and I'm back with yet another video for all of you. आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एक फाउंडेशन स्लैश बीबी क्रीम का टेस्ट वेयर टेस्ट स्लैश रिव्यू. और इसमें क्या होगा कि मैं ये जो बीबी क्रीम है इसको लगा कि मैं अभी कहीं जा भी रही हूँ बल्कि तो ये मैं बहुत बड़ा रिस्क ले रही हूँ ये लगा के जाने का. लेकिन बट लेट्स सी, मैंने इसको अभी तक यूज़ नहीं किया, मैं फर्स्ट टाइम इसको यूज़ करूँगी. और उसके अलावा ये कि मैं इसको ट्राई आउट करूँगी इन द कपल ऑफ आवर्स. सो द cream that I'm BB cream that I'm talking about is this Miss Rose ki BB cream. Ye it claims to have SPF 42 in it, yani ki iske साथ आप सनस्क्रीन स्किप कर सकते हैं अगर आप लोग चाहें. वैसे तो मैं नॉर्मली नहीं करती स्किप, चाहे प्रोडक्ट में सनस्क्रीन हो या ना हो. लेकिन आज हम इसको ट्राई करेंगे विदाउट अ सनस्क्रीन, जस्ट टू यू नो, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, सिंस हम एक्सपेरिमेंट कर ही रहे हैं. तो चलते हैं अब इसकी तरफ. आईज़ का मैंने मेकअप एक तरह से कर लिया है, लाइक मैंने सिर्फ हल्का सा आई प्राइमर लगा लिया है और उसको मैंने सेट कर दिया है पाउडर के साथ और आईब्रोज अपनी फिल इन कर ली हैं. प्रोडक्ट डिटेल्स मैं नीचे मेंशन कर दूंगी, तो अगर आप लोग कुछ मिस आउट भी करते हैं कुछ तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन होंगे. सो नाउ लेट्स मूव ऑन एंड वी विल स्टार्ट विद आवर फेस मेकअप. मैं जल्दी से आप लोगों को एक क्विक सा ट्यूटोरियल इसका दिखाऊंगी ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि मैं इसको किस तरह लगा रही हूँ एंड एवरीथिंग. सबसे पहले प्रोडक्ट हमारी ये पिक्सी ब्यूटी की ग्लो स्टिक है जिसको मैं एज अ मॉइस्चराइजर यूज़ कर रही हूँ और अपने स्किन में इसको अब्जॉर्ब कर रही हूँ. फिर मैं अपना प्राइमर लूँगी जो कि ब्यूटीफाई बाय आमना का परफेक्ट प्राइमर है और उसको मैं अपने फुल फेस पे अप्लाई कर रही हूँ और फिर दोबारा उसी तरह सेट कर रही हूँ. नेक्स्ट हमारा ये कलर करेक्टिंग के लिए मैं ये कंसीलर ले रही हूँ जो कि एक डार्कर शेड का है मिलानी का, और इससे मैं अपने लिप्स के द्वारा एरिया को कलर करेक्ट कर रही हूँ. पहले ब्लेंडर से उसको ब्लेंड आउट करके फिर थोड़ी देर उसको सेट होने के लिए छोड़ रही हूँ अपने फेस पे. नेक्स्ट हम ये अपनी मेन की प्रोडक्ट लेंगे जो कि हमारी बीबी क्रीम है मिस रोज़ की, उसको हम अपने फेस पे लगाएंगे और मैं उसको पहले ब्लेंडर से ब्लेंड करूँगी. और ये चीज़ कॉस्मेटिक्स बाय अस्मा का ब्लेंडर है जो मैंने डैपिंग करके मैं यूज़ कर रही हूँ. और उसके बाद आप देख सकते हैं मैं थोड़ा सा हाथ से भी उसको स्प्रेड आउट कर रही हूँ एक आइडिया देने के लिए कवरेज का, लेकिन इसकी कवरेज काफ़ी मीडियम टू लाइट किस्म की है और ब्लेंड, लेकिन मैं इसको अपने ब्लेंडर से ही करूँगी. इसके बाद जब ये मैं ब्लेंड आउट हो जाएगा फिर मैं अपना मिस रोज़ का कंसीलर ले रही हूँ और उसको मैं अपने अंडर एरिया पे और फुल फेस पे अप्लाई करूँगी जहाँ मुझे कंसीलर की ज़रूरत होती है. अंडर आइज़ पे बहुत थोड़ा लगा रही हूँ एक हल्का सा ब्राइटनिंग इफेक्ट देने के लिए सिर्फ. और उसके बाद फिर हम चलेंगे रिमल के स्टे मैट पाउडर की तरफ और इससे मैं सिर्फ एक साइड अपना फेस जो है उसको सेट करूँगी ताकि हम लोग एक कंपेरिजन कर सकें कि पाउडर वाली साइड एंड नॉन पाउडर वाली साइड को बाद में. फिर हम ये हल्का सा ब्रॉन्जिंग अप करने अपने चाहिए जेराड कॉस्मेटिक्स के पैलेट में से, क्योंकि ये शेड जो भी क्रीम था बहुत लाइट था मेरे पे. ल्यूमिनोसो शेड ले रहे हैं मिलानी का एज अ ब्लश और उसको हम अपने फेस पे अप्लाई कर रहे हैं. फिर मैं ले रही हूँ ये जेराड कॉस्मेटिक्स की जो सेटिंग स्प्रे है और इससे मैं एक साइड अपना जो फेस जिसको मैंने पाउडर से सेट नहीं किया था उस पर अप्लाई करके और फिर मैं उसको डैम्पिंड ब्लेंडर से ही जो है वो थोड़ा सा सेट कर रही हूँ. और उसके बाद हम ये रोमांटिक कलर्स का ले रहे हैं हाइलाइटर पैलेट और इसमें से ये वाला जो शेड है ये हम ले रहे हैं और इसको हम अप्लाई करेंगे अपने हाइलाइटिंग पॉइंट्स पे. और आप लोग देख सकते हैं कि ये बहुत ही चमकी और बहुत ही बुरा हाइलाइटर है. आई एम सॉरी बट आई हेट इट लाइक एब्सोल्युटली. Yes guys, so the makeup is done. I hope you guys like the mini tutorial जिस पर मैंने आप लोगों को थोड़ा सा बताया है. Well, मुझे अभी थोड़ा सा rush करना है. My husband is waiting outside for me, तो मैं भागने लगी हूँ. लेकिन ये कि I'll meet you guys in a couple of hours और फिर मैं आप लोगों को अपडेट दूंगी विद my final review about this foundation slash BB cream. So take care and see you guys soon. ओके गाइस, सो अब मैं घर आ चुकी हूँ और मैंने कहा मैं आप लोगों को अपना फाइनल दिखाऊं क्या हालात चल रहे हैं और मैं आप लोगों को अपना एक फ़ाइनल रिव्यू भी दूं इस मेकअप का. तो तकरीबन ये मेकअप मेरे चेहरे पे 5-5.5 घंटे ऑलमोस्ट इसको हो गए हैं. जो साइड तो मैंने पाउडर जिस पे लगाया था तो वो साइड तो मेरी कंपैरेटिवली बेहतर है एज़ कम्पेयर टू दिस वाली साइड. मेजर क्रीजिंग जो हुई है वो मेरी अंडर आई एरिया पे हुई है, पता नहीं आप लोग देख सकते हैं नहीं, लेकिन आप लोगों को उससे आइडिया थोड़ा सा हो जाएगा कि यहाँ पे मेरी जो है वो काफ़ी हद तक क्रीजिंग हुई है. यहाँ पे इतनी नहीं हुई क्योंकि मैंने यहाँ पे पाउडर से सेट कर लिया था. ये जो मेरा एरिया होता है अराउंड द माउथ, ये तकरीबन लाइक ऑलमोस्ट सारे ही मेरे जो फाउंडेशन वगैरह होते हैं वो एक टाइम के बाद यहाँ से क्रीज कर जाते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा ज़रा जल्दी ही क्रीज कर गया था. तकरीबन 1 आवर इन टू द लाइक एप्लीकेशन ये मेरा यहाँ से क्रीज वगैरह कर गया था, इन जगहों से रिमूव हो गया था.
ऑयली बहुत ज़्यादा हो गया था. तो अगर आई फील कि अगर आप ये वेल बीबी क्रीम यूज़ कर रहे हो तो यू विल हैव टू गो इन विद अ लॉट ऑफ पाउडर. अगर आप इसके ऊपर पाउडर नहीं लगाओगे तो ये ऑयली हो जाएगा, और क्योंकि इसके अंदर आई फील के ऑयल अच्छा खासा है और वो जो है वो काफ़ी रिलीज हो जाता है. और अभी भी लाइक मैंने अभी इसको कोई ब्लॉट श्लॉट नहीं किया, लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा ब्लॉट कर लूँ तो वो जो शाइन है वो थोड़ी सी इसकी कम हो जाए. एज़ कम्पेयर टू ये वाली साइड ज़रा उतनी शाइनी नहीं थी जितनी ये वाली साइड थी. तो ओवरऑल आई फील कि इसकी जो जहाँ तक कवरेज की बात है तो इट्स नॉट लाइक अ फाउंडेशन एट ऑल. इसकी बहुत मीडियम सी कवरेज है, या आप कह सकते हो लाइट टू मीडियम कवरेज है. आप इसको बिल्ड कर सकते हो, लेकिन जब आप अगर इसको जब मैंने एक पंप लगाया था तो बहुत थोड़ी सी जगह इसने मेरी कवर की थी, लेकिन इसका जो पंप है वो थोड़ा सा आई फील के एक दफ़ा करने से कभी कभार नहीं निकलता, दो तीन दफ़ा आपको इसको करना पड़ता है. काम करता है लेकिन थोड़ा सा ज़रा टाइम लगाता है काम करने में. पैकेजिंग वगैरह काफ़ी लाइक इट्स अ ट्यूब बॉटल. प्राइस मुझे इसकी एग्जैक्टली नहीं पता, बट आई नो कि इट्स प्रिटी रीजनेबल एंड इट्स प्रिटी चीप. तो कंसिडरिंग दैट आई डोंट थिंक इट्स अ बैड प्रोडक्ट एट ऑल. मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई ऐसा है. अब मुझे ये नहीं पता कि मेरी स्किन को ओवरऑल सूट वैसे कैसे करता है कि लाइक बाद में कोई मुझे रिएक्शन वगैरह नहीं होता या कुछ, वो मुझे अभी नहीं पता. लेकिन अगर इस अगर आप समझ लो कि सर्दियाँ जिस तरह कंसिडरिंग आगे आ रही हैं और आपको एक बाज़ार जाना है या कोई एक किसी फंक्शन पे जाना है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप यूज़ नहीं करना चाहते हो या बहुत हाई क्वालिटी मेकअप यूज़ करना नहीं चाहते, कोई ऐसा इवेंट है जिस पे आपको मेकअप करना है लेकिन आप नहीं चाह रहे कि मैं अपना बहुत कोई हाई फाई मेकअप ज़ाया करूँ, या अगर आप चाह रहे हो कि यू नो आप अभी बिगिनर हो मेकअप में और आप थोड़ा सा ज़रा प्रैक्टिस के लिए आपको फाउंडेशन चाहिए या बीबी क्रीम चाहिए या कुछ इस तरह के प्रोडक्ट्स चाहिए, तो उसके लिए आई थिंक दिस इज़ रियली गुड. यू कैन गो अहेड मेक अ परचेज. लेकिन अगर आप यू आर लुकिंग फॉर समथिंग जो कि लॉन्ग लास्टिंग हो और बहुत हाई क्वालिटी हो एंड एवरीथिंग, तो ऑब्वियसली ये उसके लिए ठीक बिल्कुल भी नहीं है. प्राइस वाइज आई थिंक उसके लिहाज से अगर देखा जाए तो अच्छी डील है, पूरी डील नहीं है. लेकिन आई वुड से कि इसके शेड्स का मुझे नहीं पता, ये शेड फेयर था जो कि मेरा शेड नहीं था, लेकिन आई ऑब्वियसली हैड टू वर्क विद अ लिटिल बिट ऑफ ब्रॉन्जिंग वगैरह करके थोड़ा सा उसको अपना शेड बनाना पड़ा मुझे, अदरवाइज ये मेरा शेड बिल्कुल भी नहीं था. लेकिन ओवरऑल ये कि आई फील आई वुड से इट्स अ 8 out of 10 बिकॉज ऑफ द प्राइस एंड एवरीथिंग. लेकिन अगर आप इसको एज अ प्रोडक्ट देखें तो 7 out of 10. इट्स नॉट बैड एट ऑल, लेकिन आई जस्ट फील कि मेरी स्किन बहुत ड्राई है और कंसिडरिंग कि मेरी स्किन ड्राई है उसके बावजूद भी इसने मेरे इस पार्ट को जिसको मैंने पाउडर से सेट नहीं किया अच्छा खासा ऑयली कर दिया है. तो इफ़ आई कंसिडर दैट तो उस लिहाज से आई फील, क्योंकि मेरा प्राइमर भी मैटिफाइंग प्राइमर था, कोई ऑयली प्राइमर वो नहीं था, और मेरे नोज़ से थोड़ा सा रिमूव हुआ है इस एरिया से अगर आप लोग थोड़ा सा गौर करें, और ये एरिया तो आप लोग के सामने ही है कि इट्स प्रिटी इन अ प्रिटी बैड शेप. बट उसके अलावा मैं थोड़ा सा ये रोमांटिक कलर्स का जो स्टार ग्लो बेक्ड पाउडर ब्लश लिखा हुआ है, लेकिन इट्स नॉट अ ब्लश, इट्स अ हाईलाइटर पैलेट, इसकी अगर बात करूँ तो ये बहुत चौकी है, बहुत चंकी है. दिस आई डू नॉट रिकमेंड एट ऑल, क्योंकि अगर आप लोग मेरा फोरहेड देखें तो जब मैंने यहाँ पर लगाया था तो इट्स लाइक एक्सट्रीमली चौकी, और ये हाईलाइटर की तरह भी काम नहीं करता. ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट अ ब्लश शेड, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये इतना फील नहीं होता, बस इतना मतलब नहीं बुरा लगा, लेकिन जहाँ पे मतलब इट डिडंट ब्लेंड इन एज अ हाइलाइटर, ये एक लग रहा था कि आप देख सकते हैं कि मेरे यहाँ पे ये दोनों. एंड आई एक्चुअली वेंट आउट विद अ हेड इस तरह बिकॉज मुझे देर हो रही थी एंड आई हैड टू रश. लेकिन हाँ लॉन्ग लास्टिंग है, उतना नहीं है इतनी देर में बिल्कुल भी, देख लें. लेकिन ये कि ओवरऑल आई डोंट लाइक दिस एट ऑल, लाइक इसको तो मैं कहूँगी 2 out of 10. सो ओवरऑल दिस बीबी क्रीम इज़ अप्रूव्ड, आई वुड से कि हाँ यू गाइस कैन बाय इट. लेकिन ये ना सोचें कि ये कोई मैं कहूँगी कि ये बेस्ट बीबी क्रीम आउट देयर है, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है. अच्छा प्रोडक्ट है, रीजनेबल प्रोडक्ट है, आपकी प्रैक्टिस सेशंस के लिए अच्छा है, आपके रूटीन वेयर में अगर आप लोगों को मेकअप यूज़ करना है उसके लिए अच्छा है. लेकिन अगर आप किसी शादी पे जा रहे हो, अगर आप किसी प्रॉपर इवेंट पे जा रहे हो, कहीं कोई आपका कोई फंक्शन है,
तो उसके लिए दिस इज़ नॉट रिकमेंडेड एट ऑल. लेकिन हाँ, आप फ्रेंड्स के साथ किसी गेट टुगेदर पे जा रहे हो और आपको पता है आपने 2-3 घंटे के लिए सिर्फ जाना है, तो ठीक है, अप टू 5 आवर्स आई थिंक इट विल लास्ट ओके, गुजारा हो जाएगा. बट मेक श्योर कि आप पाउडर से सेट ज़रूर करें. मेरी ड्राई स्किन है, मैं उसके हिसाब से आप लोगों को बता रही हूँ कि इवन विद ड्राई स्किन, एंड अभी मुझे पसीना नहीं आया बिल्कुल, आई वॉज थ्रू आउट इन द ए सी. ओवरऑल आई थिंक के नॉट अ बैड प्रोडक्ट, ले लें, लेकिन अगेन किसी इवेंट के लिए या किसी अपने ब्राइडल किट या उसके लिए आई वुड नॉट रिकमेंड दिस एट ऑल. तो या तो लेट मी नो इफ यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो. इसको थम्स अप देना ना भूलेगा, नीचे कमेंट करना ना भूलेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को हिट करें ताकि अगली दफ़ा जब भी मैं वीडियो लगाऊं तो आप लोगों को नोटिफाई किया जाए. सो मैं अभी चलती हूँ एंड इंशाल्लाह आई विल मीट यू गाइस वेरी सून विद माय नेक्स्ट वीडियो. आई लव यू ऑल, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ. अल्लाह हाफिज़.